हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिले के रोहिड़ा क्षेत्र रोडवेज की एक बस खाई में पलटकर गिर गई। हादसे में 8 यात्रियों को चोटें आई हैं। घायलों को पास वाले अस्पताल में जांच के लिए दाखिला करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पहले तो रोहिड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, बाद में जिले के नए पुलिस कप्तान जय यादव ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि रोडवेज की एक बस सोमवार को रोहिड़ा थाना पेपिला के पास खाई में गिर गई, जिसके चलते बस पूरी तरह पलट गई। यात्रियों को कुछ समझ में नहीं आया और सभी एक दूसरे को संभालने में लग गए। हालांकि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, जबकि बस के 8 यात्रियों को चोटिल होने पर एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस फिलहाल मौके पर है, विस्तृत ब्यूरो की प्रतीक्षा है। सिरोही जिले से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।